गेट्स हमने आ, ये गेट्स को ऑप्टेन करना है तो सबसे सबसे पहले अगर हम नॉट गेट को जान लें तो आ, क्योंकि नॉट गेट्स को यूज़ करते हुए हमने और गेट और एंड गेट को ऑप्टेन करना है सो so, इसी के लिए करते हैं नॉट गेट के लिए तो इसके लिए डिमोगन सेकेंड थ्योरम को अगर मैं कोड करूं तो दैट वाज एक्स प्लस वाई का होल बार इक्वल्स एक्स बार एंड वाई बार ठीक है अगेन इफ वी इक्वल एक्स एंड वाई तो ये फिर यहाँ पे एक्स प्लस एक्स कर देते हैं इसका होल बार और एक्स प्लस एक्स बुलियन अलज्रा रूल्स वी नो दैट एक्स प्लस एक्स इज एक्स इक्वल इसका जो ऑपरेशन होता है और दैट विल गिव अस एक्स होल बार और यहीं से हमें पता चल गया ये भी अगर यहाँ पे भी हम करें तो ये भी हमने अभी देखा था कि यही होता है तो अगर हम नॉर गेट दिस इज़ द नॉर गेट ना तो नॉर गेट के अगर इनपुट्स को इक्वल कर दिया जाए ठीक है सेम कर दिया जाए जस्ट लाइक हमने नैन गेट के लिए किया था तो हमें नॉट ऑपरेशन मिल जाएगा तो नैन गेट होता है ऐसा ओके इसके इनपुट्स को हम सेम कर देते हैं तो यहाँ पे इनपुट लेट से ए है और यहाँ पे हमें ए बार मिल जाएगा दिस इज़ द नॉट गेट इन टर्म्स ऑफ नॉर गेट दिस इज़ द नॉर्थ गेट इन टर्म्स ऑफ नॉर् गेट ओके एंड नेक्स्ट इज़ और गेट और गेट द सिम्पलेस केस अगर हम नॉर्थ uh, गेट कैसे मिलता है हमें एक्स प्लस वाई का बार ले कर और इसका एक और बार ले लें तो डेट विल गिव अस और गेट तो एक्स प्लस वाई होल बार मतलब नॉर्थ गेट के आउटपुट पर अगर हम इन्वर्टर लगा दें दिस वन तो हमें और गेट मिल जाएगा एंड एज एक्सपेक्टेड फ्राम द प्रिवियस वीडियो हमने देखा था कि एंड uh, जो और गेट मिला था बाई पुटिंग इन्वर्टर्स इन द इनपुट्स ऑफ द नैन गेट तो यहाँ पर और गेट नॉर्थ गेट के केस में एंड गेट विल भी ओपटेन बाई पुटिंग द इन्वर्टर्स इन द इनपुट्स ऑफ नॉर्थ गेट तो ये थोड़ा सा वर्स uh, हो गया लेकिन मेन आइडिया इज़ सेम सो और गेट के लिए हम ए प्लस बी है का होल बार है का होल बार ले लेंगे दैट विल गिवर्स ए प्लस बी सो वी हैव और गेट राइट हियर ठीक है और इसके आउटपुट पे हम नॉट गेट को अप्लाई कर देते हैं जो नॉर्थ की फॉर्म में था वो वाला ठीक है यहाँ पे ए बी है यहाँ पे ए प्लस बी का होल बार है यहाँ पे ए प्लस बी का होल बार का भी बार है विच इज ए प्लस बी रिजल्ट सो दिस इज़ और गेट का इक्वलैंड लॉजिक डाइग्राम इन टर्म्स ऑफ नॉर गेट ओके नेक्स्ट इज़ कि हमें चाहिए एंड गेट ओके तो ये हमारे पास सेकेंड डिमोगेंस थ्योरम था उसी को मैं यहाँ पर रेफरेंस दूंगी तो अगर मैं ओरिजिनली uh, जो ये ए है और बी है इनके ओरिजिनली बार्स ही लेती ठीक है यहाँ पर अगर मैं ए बार ही औरिजनली ए लेती और बी बार ही ओरिजिनली बी बार लेती तो ए बार का बार इज़ ए एंड बी बार का बार इज़ बी तो यहाँ पे अगर मैं ये कर दूँ बार प्लस का बार का होल बार देन इट विल गिव अस एंड ऑपरेशन और इसके लिए फिर हम नेगेटिव इनपुट या जिसे हम यस नेगेटिव इनपुट ही कहते हैं तो यहाँ पे नॉट ऑपरेशंस को अप्लाई कर देते हैं तो ये प्यारी सी डायग्राम्स बना लेनी है के एंड के लिए तो ये और दिस इज ए दिस इज बी यहाँ पे ए बार आएगा यहाँ पे बी बार आएगा इसके रिजल्ट में ए बार प्लस बी बार का होल बार विच इज इक्वल टू ए डबल बार बी डबल बार विच इज इक्वल टू ए बी एंड दिस इज़ द इक्वलेंट एंड गेट लॉजिक डाइग्राम इन टर्म्स ऑफ यूजिंग नॉर गेट्स ओनली तो ये फिर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है अब नॉर गेट को यूज़ करते हुए नैन गेट को भी ओप्टेन किया जा सकता है नैन गेट कैसे मिलेगा हमने अभी एंड गेट बनाया था ना ठीक है एंड गेट के आउटपुट पे एक और इन्वर्टर लगा दें तो विल गेट नैन गेट तो ये हमारे पास एंड गेट है अगर मैं इस एंड गेट के आउटपुट पे ये यूनिवर्सैलिटी इनकी यही है कि इनको ही यूज़ करते हुए सिर्फ़ इन्हीं को यूज़ करते हुए हम पूरे सारे के सारे ऑपरेशनस को डिवेलप कर सकते हैं तो ये हमारा एंड गेट है इसके आउटपुट पर भी इन्वर्टर लगा देते हैं तो नाव यहाँ तक हमें ए बी मिल रहा था और यहाँ पे ए बी का होल बार मिलेगा विच इज़ नैन गेट और नैन गेट को यूज़ करते हुए नॉर गेट को बनाना है तो दैट इज़ सिंपल टू वहाँ पे हमने जो और गेट बनाया था उसके आउटपुट पे हम इन्वर्टर लगा देंगे दैट विल गिव अस द नॉर गेट इक्विलेंट इन टर्म्स ऑफ या यूजिंग नैन गेट्स सो ये जस्ट पता होना चाहिए